मोदी जी की सरकार में जो था सबका साथ सबका विकास वो टूट गया। 2024 तक तो पता नहीं हमारे कितने बच्चे चले जाएंगे। हमारे पास असली बात क्या है, टाइम ही नहीं। बेसिकली ये तो रेयर डिजीज है, ठीक है। इसका अभी फिलहाल जो है इंडिया में जो है ना कुछ है नहीं, उसका कोर्स जो है ना करोड़ों में है। एक्चुअली मोदी जी क्या डॉक्टरों को भी बीमारी के बारे में पूरा नहीं मालूम। चिट्ठे लाने के लिए सरकार के पास में पैसा है, मासूम चिड़िया को उन बच्चों को बचाने के लिए सरकार को पैसा नहीं है। मोदी जी को हमारी बातें सुननी ही पड़ेगी, इन बच्चों को इलाज जो है। हमारे बच्चे ना स्कूल जा पाते हैं ना चल पाते हैं। हमारे बेटा हमारे को बोलता है पापा हमारे को भी दूसरे बच्चों के साथ में खेलना है। हमारे लिए तो राम राज्य तब आएगा जब ये सब बच्चों को बचाया जाएगा। यदि हमारी बात नहीं सुनी तो संजीव मिश्रा ने किया वो हम भी करेंगे, और उसके लिए सरकार बीजेपी सरकार जिम्मेदार होगी। अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आज यहाँ पे हमारे चारों ओर देखिए यहाँ पे काफी लोग मौजूद हैं, और ये लोग पेरेंट्स हैं उन बच्चों के जो लोग टीएबी से ग्रस्त हैं। वैसे बच्चे जिनकी मांसपेशियाँ धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनकी वैसे वैसे उनकी मांसपेशियाँ कम होती जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है जब वो व्हील चेयर के सहारे अपना जो जीवन व्यतीत करने लगता है। मेरा नाम रत्नेश वर्मा है, और ये हम लोग बेसिकली हम लोग धरना नहीं कर रहे हैं, यहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये बेसिकली जो है ना अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि समाज में और बहुत जगह जो है ना ऐसे पेरेंट्स लोग हैं, ऐसे बच्चे लोग हैं जिनको इस बीमारी के बारे में पता नहीं है, तो पता नहीं है। तो ये जो है ना हम लोग अवेयरनेस के लिए थे, हमारा प्रोग्राम उसका नाम अवेयरनेस है। नहीं नहीं ये 10-15 साल से जो है ना ये इस चीज़ में जो है ना सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, बट ये संघर्ष अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग कर रहे थे। अब क्या है ना कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आना, एक जगह आना, और ये जो 2 दिन का प्रोग्राम है इसमें 21 स्टेट आए हुए हैं, 21 स्टेट के बच्चे और उनके पेरेंट्स आए हुए हैं, तो सबको एक साथ रख के और एक साथ अपना मतलब आवाज़ को जो है ना आप लोगों के थ्रू जो है ना सरकार तक पहुंचाना हम लोग का ये था। इससे पहले आप लोग डॉक्टर के पास गए, आप बेसिकली ये तो रेयर डिजीज है, ठीक है। इसका अभी फिलहाल जो है इंडिया में जो है ना कुछ है नहीं मेडिसिन, बस यूएस और बाकी के कंट्रीज में जो है ना इसका है ट्रीटमेंट है, बट उसका कोर्स जो है ना करोड़ों में है। यूएस में है, यूएस में है। यूएस की सरकार कर रही है, तो यहाँ की सरकार क्यों नहीं, आपने पूछा नहीं। यही तो इसी चीज के लिए ना हम लोग जो है ना दो दिन जो हम लोग आए अवेयरनेस फैलाए, और साथ में जो है ना हम लोग अपनी बातों को जो है ना गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं। और ऑलरेडी जो है ना हम लोग RTI और बाकी सब चीज़ें स्टेट लेवल पे भी कर रहे हैं, और एक नेशनली जो है ना एक कंसोलिडेटेड करके जो है ना हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। तो जो है ना हो सकता है कि एक आदमी अकेले लड़ाई में ना जीत सके, तो हमारे सारे जितने लोग हैं तो सारे लोग जो है ना मिल के हम लोग आवाज को वहाँ पे रख रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि सरकार जो है शायद सुना ये बहुत महंगी दवा यस महंगी दवा तो है, बट वो अगर जो है ना मेक इन इंडिया के तहत जो फॉर्मूला वहाँ चल रही है जीन थेरेपी की, अगर इंडिया में आ जाए तो नेचुरली जो है ना कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि जैसा कि अभी वैक्सीन की दवा जो है ना वगैरह वगैरह आई जो है ना उस समय जो है ना कॉस्ट कम रहेगी। अगर जीन थेरेपी का जो है ना इंडिया में जो है ना बनना शुरू हो जाए तो जो करोड़ में कॉस्ट आ रही है, तो मेक इन इंडिया के तहत जो है ना डेफिनेटली ये लाख्स में आ जाएगी, और ये विद इन जो है ना आम पब्लिक के रीच में आ जाएगी। उस पर जो है ना गवर्नमेंट प्लस जो पेशेंट है उनके रीच में आ जाएगी, ये मेडिसिन अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको लगता है प्रधानमंत्री को मालूम है इसके बारे में? यस उनको पता है, जैसा कि जो है ना 59 मन की बात में उन्होंने सोलन गए थे, और सोलन में जो है ना वो ऐसे बच्चे से मिले थे, तो वो अपने मन की बात में भी इस चीज़ को बताए हैं, एंड ही इज वेल अवेयर ऑफ दिस मैटर्स। तो इसके बारे में उनको भली भांति पता है। तो जब उनको मालूम है तो यहाँ आप किसको अवेयर करने आए, उनसे आप डायरेक्ट मांगे जब उनको मालूम है? यहाँ पे हम लोग आए हैं, और ये जो है ना सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना हम सारे जगह जो है ना भेजे हुए थे मैसेज, तो इससे क्या हुआ ना बहुत सारे पेरेंट्स थे जो कि इससे जुड़े नहीं थे। बेसिकली अवेयरनेस का मतलब यही हुआ कि सारे लोग हमसे जुड़े। इनफैक्ट यहाँ पे आए तो लगभग 200 से 250 ऐसे लोग आए जो ये लोग जुड़े, बोले कि हमारे बच्चे को भी DMD है। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ हो गई, एक तो अवेयरनेस भी हो गई, और हमारी डिमांड जो है ना वो तो कंटिन्यूस फॉलोअप चल ही रही है गवर्नमेंट से,
और हेल्थ सेक्रेटरी के साथ। आपको क्या लग रहा है, सरकार आपको मुहैया कराएगी इलाज? बिल्कुल कराएगी, जैसे अभी हमने बताया मोदी जी को बात रखी गई। एक्चुअली मोदी जी क्या, डॉक्टरों को भी इस बीमारी के बारे में पूरा नहीं मालूम। उन्हें ये पता है DMD एक बीमारी है, लेकिन ये पेरेंट्स को पता है कि क्या दर्द है, पेरेंट्स को पता है कि क्या क्या इन बच्चों के साथ होता है। आपको भी शायद नहीं मालूम था आज से पहले, कल से पहले आपको भी इस बारे में नहीं मालूम था। ऐसे हमारे बहुत से राजनेताओं को, बहुत से मंत्रियों को, किसी को भी नहीं मालूम। वो सिर्फ एक उनको एक शब्द मालूम है, DMD एक डिसीज है। इसके क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, उसके ऊपर चर्चा करने का विषय है। जब तक उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी, एक हेल्पलाइन नंबर इशू नहीं होएगा गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के पास करेक्ट डाटा नहीं जाएगा। जैसे आपने देखा कोरोना टाइम में एक हेल्पलाइन नंबर होता था, या आप फोन उठाते थे उसमें उसके अवेयरनेस के बारे में बातचीत होती थी। अगर DMD के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलेगा, तब एक्चुअल डाटा गवर्नमेंट के पास जाएगा, तब गवर्नमेंट का ध्यान जाएगा, तभी गवर्नमेंट इसके बारे में काम कर पाएगी। अवेयरनेस ही कमी है। सिर्फ उनको ये मालूम है DMD एक रेयर डिसीज है, लेकिन उसके लिए क्या उसके वो है वो उनको नहीं मालूम। वो भी हम लोगों ने, पेरेंट्स ने जो लोग सोलन में मिले थे, उन्होंने एक पेपर दिया था उनको कि हम लोग व्हील चेयर पे हैं, हमारे बच्चे और उनको ये बीमारी है। उनको भी इस बीमारी के ऊपर पूरा, मोदी जी को भी पूरा ज्ञान लेने की जरूरत है कि ये बीमारी क्या है, कैसे है, इसमें बच्चे की लाइफ कैसे खत्म हो जाती है देखते देखते। मोदी जी को नहीं पता है कि 20 साल में बच्चे मर। हाँ, मेरे ख्याल उनको नहीं मालूम, उनको सिर्फ ये मालूम है DMD एक रेयर डिसीज है, उसके अंदर बच्चे इतनी जल्दी सर्वाइव कर जाते हैं। अभी आपने देखो कैंसर की दवाई 200 और 400 रुपये में, पूना वाला जिन्होंने वैक्सीन बनाई थी उसकी दवाई 200 और 400 रुपये में उन्होंने कहा है कि अवेल हो जाएगी मार्केट में। अगर ऐसे ही संस्थाएं, ऐसे ही लोग आगे आएंगे तो हमारे बच्चों की दवाई भी बहुत कम पैसे में बन सकती है। अभी हमारे हरियाणा से हूँ मैं, अम्बाला से, अभी हमारे हरियाणा से अशोका यूनिवर्सिटी के भट्टाचार्य प्रोफेसर जी ने 18 साइंटिस्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि सरकार हमें फंड उपलब्ध कराए और हमें मौका दे तो हम इसके ऊपर रिसर्च करके मेडिसिन बना सकते हैं, हर बच्चे को दे सकते हैं। मैडम ऐसा है, ये सरकार का इशू है, इंटरनल है, सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्या करती है, एक सरकार भी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ पे लेना चाहती है, लेकिन अभी कोई ऐसा सेशन या कोई ऐसी इसके ऊपर मीटिंग नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मीटिंग हो, प्रॉपर एक पैनल बने और इसके पैनल के थ्रू काम हो, जिसमें जिम्मेवारी फिक्स हो कि इसके ऊपर क्या काम किया गया। चिट्ठे लाने के लिए सरकार के पास में पैसा है, मासूम चिड़िया को, इन बच्चों को बचाने के लिए सरकार को पैसा नहीं है, ये बात बोलना सरासर गलत है। मोदी जी को हमारी बातें सुननी ही पड़ेगी, इन बच्चों को इलाज देना ही पड़ेगा। हमारे बच्चे न स्कूल जा पाते हैं, न चल पाते हैं। हमारे बेटा हमारे को बोलता है पापा हमारे को भी दूसरे बच्चों के साथ में खेलना है, वो बेचारा चल नहीं पाता है, साइकिल नहीं चल पाता, स्कूल नहीं जा पाता है, उठ के बैठ नहीं सकता है, वो अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकता है। और 10-11 साल बाद तो बच्चे की इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है, बच्चा मक्खी मच्छर तक भी नहीं उड़ा सकता। सरकार ने कोरोना काल में विदेशों में अरबों रुपए की दवाइयां बाहर एक्सपोर्ट कर दी, लेकिन ये हमारे बच्चों के लिए क्या इतना नहीं कर सकती है? वहाँ पे जब अरबों रुपए लगा सकते हैं तो करोड़ों रुपये यहाँ के साइंटिस्टों को दे के यहाँ भी तो दवाई विकसित की जा सकती है, जैसे कोरोना की है तो इसकी भी तो विकसित की जा सकती है। हम सरकार तक यही संदेश देना चाहते हैं। उनको ज़्यादा जरूरी नहीं लग रहा है? जरूरी हो सकता है कि हमारी संख्या कम है, हो सकता है हमारा वोट बैंक कम है। अभी तक तो क्या था, सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, हम भी जोड़ रहे हैं, प्रत्येक सदस्य को उनके परिवार को जोड़ना चाहते हैं, ताकि सरकार को भी दिखे कि इतनी संख्या है और सरकार को हमारे बच्चों को इलाज देना ही पड़ेगा। सरकार ने ट्रॉफी के बारे में आज तक कोई मुहिम चलाई नहीं, सरकार के पास में खुद दोबारा कह रहे हैं कि कोई आंकड़ा ही नहीं है, आज तक कोई भी ऐसा मुहिम नहीं चलाई कि इन बंदों बच्चों का डाटा इकट्ठा किया जाए। अब डाटा ये देखो ना, जो काम सरकार को करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, हम जगह जगह रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर पोस्टर चिपकाते हैं। सरकार को सिर्फ इतना मालूम है कि ये कोई बीमारी है, लेकिन इस बीमारी में बच्चे की जो नरक से भी बदतर जिंदगी होती है उसके बारे में नहीं पता, डिटेल में नहीं पता। ये पता है कि वो बीमारी है, लेकिन बच्चे की जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में बच्चा मर रहा है, तो उसके बारे में नहीं पता। पेरेंट्स को पता है, पेरेंट्स ही समझ सकते हैं। उधर क्या नाम है? हमारा नाम सुंदर सिंह है, हम भिवानी हरियाणा से। मेरा बेटा 3 साल पहले वो स्कूल जाता था, अब 3 साल में व्हील चेयर पे आ गया। तो क्या लगता है आपको, आप
सुनना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास बच्चों के लिए टाइम और कम रह गया। हमारी एक्टिविटी जैसे ये मुहिम है, ये हम अपने स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते रहेंगे, और हमें सरकार पे ये आवाज़ पहुंचानी पड़ेगी कि इन चीज़ों बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इन बच्चों के पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि बीमारी बहुत जल्दी 13 से 14 साल में जब बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा मसल्स वीक होते हैं। अभी मैडम इस बीमारी में सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? बच्चे माँ बाप की सीढ़ी होते हैं। अब अगर हम में से किसी को कुछ हो जाए, हमारे बच्चे तो अपने आप पानी भी नहीं पी सकते, हमारे बच्चे अपने आप खाना नहीं खा सकते, उनका क्या होगा? अभी इसी दर्द को सहते हुए हमारे बीजेपी के 3 बार विधायक रहे विदिशा से सांसद, जब उन्हें पता चला कि उनके दूसरे बेटे को भी यही बीमारी है, तो उन्होंने सल्फास खा के आत्महत्या कर ली। इवन अपनी वाइफ और बच्चे को, संजीव मिश्रा नाम था, संजीव मिश्रा एमपी में विदिशा से पूर्व पार्षद थे, उनके 2 बच्चे थे, 1 9 साल का था, 1 12 साल का था, बीजेपी से थे, बीजेपी के 3 बार जीते हुए पार्षद, 3 बार जिला पार्षद रह चुके थे। जब उनको पता चला, उनकी केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार, उन्होंने उनका बड़ा बेटा 15 साल का था जो डीएमबी था, छोटा बच्चा 7 साल का स्कूल में गिर गया, उनको स्कूल के टीचर्स का आया कि आपका बच्चा स्कूल में गया, ले जाओ। जब वो उसको हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने चेक कराया तो वो डीएमडी निकला। क्या फर्क पड़ता है, बच्चा मर गया नहीं, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, जब उन्हें रामराज है ना, रामराज, अब मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ अपनी बात को, जब वो बच्चा गिरा तो वो इतने डिप्रेशन में आ गए, उन्होंने अपने दोनों बच्चों को सल्फास दे दिया इस गम में कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। उसके बाद उन्होंने अपने आप को जहर दिया, अपनी बीवी को दिया, उसका एक वीडियो यूट्यूब पे उन्होंने डाला कि मैं इस चीज़ से तंग आकर सरकार की उदासीनता की वजह से कि वो डीएमडी के बच्चों को काम नहीं करी, मैं सुसाइड कर रहा हूँ। उन्होंने उनके लाश सब थे, मैं अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहा हूँ और मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, मैं इतना मजबूर हो गया हूँ कि मेरे को अपने बच्चों को ही जहर देना पड़ा है। आप गूगल पे जाके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी संजीव मिश्रा डालेंगे, आपको उसमें पूरा डिटेल मिल जाएगा। हमारे लिए तो राम राज्य तब आएगा जब ये सब बच्चों को बचाया जाएगा, नहीं तो क्या है, हम भी संजीव मिश्रा की तरह किसी दिन गोली खा के सल्फास खा के हम भी अपनी खुदकुशी कर लेंगे। ज्यादा दिक्कत है बीमारी से, ज्यादा इस बीमारी, इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ने न हिंदू न मुस्लिम कैसे किसी को नहीं छोड़ा, हर बिरादरी वालों को इसने, हर बिरादरी का बच्चा इसे पीड़ित, छोटे से लेके बड़े तक हर वर्ग का बच्चा इस बीमारी से ग्रसित है। और अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तो क्या करेंगे 2024 में चुनाव? देखो जी, हमारे पास में तो सीधी सी बात है, हम 1 साल तक संघर्ष करेंगे, और यदि हमारी बात नहीं सुनी तो संजीव मिश्रा ने किया वो हम भी करेंगे, और उसके लिए सरकार, बीजेपी सरकार जिम्मेदार होगी। 2024 में आप ये भी तो बोल सकते वोट की चोट देंगे, ये भी वोट तो की चोट, वोट की चोट तो अलग की बात है, 2024 बहुत दूर है, 2024 तक तो पता नहीं हमारे कितने बच्चे चले जाएंगे। हमारे पास असली बात क्या है, टाइम ही नहीं, हमारे प्रतिदिन बच्चे मर रहे हैं। 15 दिन पहले हमारा एक बच्चा चला गया हमारा परिवार छोड़ के, हमें बहुत दुख है, बिहार से था वो, 15 दिन पहले वो हमारा साथ छोड़ के चला गया। मोदी जी की सरकार में जो था सबका साथ सबका विकास, वो टूट गया। अब आने वाले चुनाव में भारी ये थी बहुमत से उसको हरा करके फिर उसको गुजरात भेजेंगे, नहीं तो हमारे बच्चे डीएमडी का जो सवाल है, बच्चे रोज रोज मर रहे हैं, उसके लिए वो जल्द से जल्द व्यवस्था करे, अन्यथा नहीं तो भगवान स्वरूप है, वो भगवान हम नहीं रहेंगे, वो शैतान बन जाएंगे। आपकी पूरी खबर